हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेटिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं ये व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी जाऊँगी मेरे बनी को लेके छत के ऊपर, क्योंकि उसे बहुत ही ठंड लग रही है, क्योंकि आज बहुत ही ठंड है। सो इसके लिए उसे मैं छत में जाऊँगी धूप लगाने के लिए, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा छत में खेल लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं छत पर चलकर, और उसके बाद हम सब बातें करेंगे और उसके साथ साथ मैं कुछ पेट्स रिलेटेड भी टिप्स देती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं छत के ऊपर। और अगर मेरे चैनल में आप न्यू हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे मोटिवेशन जो है और बढ़े। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ छत में चलकर। आप सब देखना चाहते हो आज मेरे साथ कौन है, सो ये देखिए कौन है। ये मेरा बनी बाबू है। आप मेरे साथ वीडियो में आते हो, आपको मालूम है क्या थी? ये मेरा बनी है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं उसके साथ थोड़ी सी खेलूंगी और उसके बाद मैं आप सभी के साथ बातें करूंगी। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। बनी को देख सकते हो, वो सो रही। क्यूट लग रहे हो बनी। आज मैं दूंगी मेरी बजीज को ये वाली जो बेसिल का लीव होती है वो लीव, और ये देखिए इसको धो के अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं दूंगी, ये मेरी रैबिट के लिए है, वो एक दिन में 2 बंडल आराम से खा लेती है। ये कोलमी शाक की बंडल है, ये कोलमी शाक की बंडल मैं उसको दूंगी। सो 3 बंडल इधर पर है, एक्स्ट्रा मैं लाती हूँ हमेशा, ताकि कभी भी उसको कम ना पड़े। सो आज के दिन मैं उसे कोलमी शाक खिलवाऊँगी, उसके साथ साथ दूसरा कोई भी छोटी मोटी चीज़ खिलवा दूँगी, जैसे कि बनाना हो ऐसे कुछ। और मेरे बजेज के लिए मैंने आज लाई हूँ बेसिल का जो लीव्स होती है, ये वाली जो लीव्स है वो। तो चलिए मैं मेरे बजेज को बेसिल का जो लीव्स है वो दे के आप लोगों से फिर मिलती हूँ। मैं एक टिप्स आप सभी को बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। बेसिल लीव आप अपने बजीज को दे सकते हो, इसके 2 रीजंस होते हैं। ये एंटीबायोटिक भी होते हैं और ये बजीज की ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि आपके बजीज को पैर टूट गई हो, या फिर विंग्स टूट गई हो, या फिर कहीं पे दर्द हो, खून निकल रहा हो, सो इसके लिए आप अपने बजीज को जो है बेसिल का लीव जो है वो यूज़ करवा सकते हो। और बेसिल का लीव्स बहुत ही अच्छे से खाते हैं बजीज, वो बहुत ही पसंद करते हैं। आप देख सकते हो मेरे बजीज का जो भी मैंने बेसिल का लीव दी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो सब खा लेती है। और मैं और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप बहुत दिनों से बजीज रख रहे हो, आपके ब्रीड नहीं कर रही है बजीज, सो आप ये एक बार मेरे बात को सुनकर ये ट्राई करवा सकते हो। तुलसी का पत्ता आप देखिए एक बार देख सकते हो, वो ज़रूर ब्रीड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बेसिल का लीव बहुत ही अच्छे होम रेमेडी है। ये मेरे भैया, मुझे जब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था बजीज के बारे में, सो मेरे एक भैया मुझे बोले थे कि बेसिल का लीव आप यूज़ करवा सकते हो। सो ये बजीज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तबीयत भी बहुत अच्छे ठीक रहते हैं, और ये ब्रीड भी जल्दी ही करते हैं, और अंडे भी सब फर्टाइल निकलते हैं। सो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही बेसिल का लीव जो है अंडे बच्चे के लिए आप दे सकते हो। और कोई भी अपने बजीज का जो नुकसान हो गई हो, पैर टूट गई हो, उस सभी के लिए आप अपने बजीज को जो है बेसिल का लीव यूज़ करवा सकते हो। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज ही सुबह मुझे एक फ्रेंड्स ने पूछे थे, मैंने सब्सक्राइबर ने मेरे पूछे थे, आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर मेरे पूछे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या करने से बजीज का जो है जल्दी से ब्रीड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके बजीज उसके पास 7-8 महीने हो चुके हैं, वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं इसके लिए। सो मैं आप सभी को ये चीज़ ही बताना चाहती हूँ, मैं कभी भी मेडिसिन का जो है एडवाइस आप लोगों को नहीं दूँगी, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। आप हमेशा जो है होम रेमेडीज से अपने बजीज को जो है ब्रीड पर ला सकते हो। सो आप मेडिसिन मत यूज़ करवाइए। अगर आपकी बजीज की तबीयत ख़राब हो गई हो सो आप मेडिसिन यूज़ करवा सकते हो। ब्रीड के लिए मैं कभी भी मेडिसिन का जो है आपको एडवाइस नहीं दूंगी। 1 फुट हो गया, ऐसे लीव्स हो गए, बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं जिससे आपके बजीज जो है शौक से खा भी लेते हैं और ब्रीड पर भी जल्दी ही आ जाते हैं। सो आप हमेशा जो है होम रेमेडी पर ही ज़्यादा गौर कीजिए।
सो फ्रेंड्स, मैं ऐसे छोटी मोटी टिप्स आप सभी को देती रहूँगी बजीज रिलेटेड और भी दूसरे पेट्स रिलेटेड, ताकि आपके बजीज को और अपने दूसरे पेट्स को कभी भी कोई नुकसान ना हो। ऐसे मेरे ब्लॉग्स में छोटी मोटी टिप्स आते रहेंगे और मेरे बजीज का जो है, मैं हमेशा ही आपको डिटेल्स में जो भी मुझे कुछ पता है वो मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करती रहूँगी। तो 25th से लेकर 31st तक इतना ही दिन छुट्टी है, थोड़ी सी लास्ट ईयर की कुछ दिन हमको इन्जॉय करना है। आप सभी भी इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि 1 जनवरी के बाद न्यू साल जो है आ रही है, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगी। सो फिर से वही रूटीन, वही काम, फिर से हमें न्यू ईयर में जो है अपना जो काम है वो ऐसे ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा। सो यही कुछ दिन है इन्जॉय करने के लिए। सो मैं ये कुछ दिन अभी छुट्टी है, हम लोग घर में हैं तो थोड़े से टाइम हम आप सभी के साथ स्पेंड भी कर रहे हैं। मुझे आप सभी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छे लगते हैं। आई होप आपको भी मेरे वीडियोज़ देखना अच्छे लगते हैं। आई होप सो, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को अच्छे लगते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, व्हाट्सएप में भी अच्छे अच्छे टेक्स्ट करते हैं और कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। सो आई होप आप लोगों को भी मेरा जो वीडियोज़ है वो अच्छे लगते होंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं इधर पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे भी अभी नीचे जाना है, क्योंकि बनी को भी नीचे लेके जाना है। तो चलिए, हेलो एवरीवन, अभी दोपहर के टाइम है और अभी हम सब जा रहे हैं नानी के घर में, क्योंकि हम सब बोर हो रहे थे घर में दोपहर के टाइम है। सो क्यों ना नानी के घर से घूम के आया जाए। सो इसलिए मैंने पापा को कॉल किया तो पापा ने बोला ठीक है तुम लोग रेडी हो जाओ तो उसके बाद में ले जाऊंगी। सो हम सब रेडी हो चुके हैं। सो पापा 5-10 मिनट के अंदर आ ही रहे हैं, उसके बाद मैं नानी के घर में जाऊंगी। सो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। तो चलिए बाय, मैं मिलती हूँ नानी के घर में जा। सो फ्रेंड्स, हम सब अब जा रहे हैं नानी के घर में, हम सब रास्ते में हैं। तो फिर उधर पे जाकर मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और मैं खा रही हूँ मोमो नानी के घर में। सो अभी कुछ काम है इसलिए मैं इस व्लॉग को इधर पर ही एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।